नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ट्विंस के बारे में, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में, जहां पे कहीं ना कहीं चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक बहुत बड़ी तेजी के लिए जो है वो तैयार होता हुआ दिख रहा है। बहुत लंबा कंसोलिडेशन देखा था, लगभग 4-6 महीने से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब यहाँ पे कहीं ना कहीं निचले लेवल से एक रिकवरी बनती हुई दिख रही है। अगर सबसे पहले बात करें बजाज फिनसर्व फाइनेंस के स्टॉक की, 6,700 के पास जो है फ्राइडे की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। 6,714 पे 50 से 51 रुपए की तेजी थी। वॉल्यूम भी जो देखने मिले लगभग पिछले कुछ दिन में अगर आप देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम्स होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक बाइंग देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट लेवल जैसे ही टूटते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का सिलसिला देखने को मिलता है। मंडे फ्राइडे के सेशन में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ही देखने मिला, निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने मिली। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक जो है क्लोज होने की कोशिश किया, लेकिन अगर आप इसे 52 वीक हाई से देखेंगे तो अभी भी ये स्टॉक बहुत नीचे दिखाई देगा। 7,778 का 52 वीक हाई है और 5,220 का 52 वीक लो है, और अगर इसका आप लाइफ टाइम हाई देखेंगे तो 8,000 रुपए के पार इस स्टॉक का लाइफ टाइम हाई लगा था। तो बहुत लंबे समय से अपने 52 वीक हाई से दूर है और अब कहीं ना कहीं इस स्टॉक में मोमेंटम बनने की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे कंसर्न थे यहाँ पे, लेकिन अब वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे दूर होती हुई दिख रही। जिस तरीके के नतीजे आए थे यहाँ पे Q4 के, बहुत ही शानदार रहे थे। सारी चीजें जो थी वो रिकॉर्ड लेवल पे आती हुई दिखाई देती, चाहे आप मुनाफे की बात करें, लोन बुक की बात करें, चाहे आप AUM की बात करें, सारे के सारे नंबर जो थे वो मार्केट को पसंद आते हुए दिखाई देते। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप यहाँ पे इस स्टॉक को देखते तो 190 रुपए की EPS इस स्टॉक की 35 के प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जहां पे एक वक्त स्टॉक लगभग 60-70 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता था, तो अब 35 के स्टॉक 35 के PE पे आपको स्टॉक देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यूएशन जो है थोड़ी अच्छे लेवल पे आ चुकी है। कहीं ना कहीं मार्केट कैप देखे तो 4,06,000 करोड़ का मार्केट लीडर है NBFC सेक्टर में। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एक शानदार मोमेंटम की तैयारी जो है वो यहाँ पे देखने मिल रही है। चार्ट पे भी अगर हम देखें तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लगातार ये स्टॉक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक जो रेजिस्टेंस जोन था इसका 6,500 और 6,600 उस लेवल के डिसाइसिवली इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, और कहीं ना कहीं एक बड़े मोमेंटम के लिए स्टॉक जो है अब तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कंजेशन जोन था 6,500 के आसपास का, जो कि लगभग फरवरी के में एक बाउंस आया था और उसके बाद फिर से एक गिरावट देखने मिली थी, और मार्च के एंड से फिर जो तेजी देखने मिली उस लेवल को इस स्टॉक ने पार किया और अभी एक जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है जहां एक कंसोलिडेशन 6,700 के आसपास देखने मिल रही है। अब अगर ये लेवल पार करता है, जिस तरीके से सारे मूविंग एवरेजेस की अगर हम देखेंगे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पार अगर निकलते हैं, क्योंकि अभी 5 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 दिन का एवरेज पार किया है, अब पीछे से अगर 20 दिन का एवरेज भी अगर इसको पार करता है तो और स्ट्रांग मोमेंटम जो है वो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख सकता है। और जिस तरीके से आप यहाँ पे जब कभी भी देखते हैं कि बाउंस आता है 200 दिन का एवरेज पार होता है, तो हिस्टोरिकली भी पिछले बार भी जब पार होता है तो बहुत ही शानदार कम से कम 10 से 20% की तेजी जो है उस लेवल से देखने मिलती है। तो अगर हम 6,450 के आसपास का 6,350 के आसपास का 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक बार 7,000 से लेके 7,400-7,500 तक की रेंज में भी जा सकता है। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग में मोमेंटम बनता है, तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो वॉल्यूम में भी एक अच्छा उछाल देखने मिला जैसे नतीजे आते हुए दिखाई दिए, और उसके बाद जैसे ही 200 दिन का एवरेज पार हो उसका और भी अच्छी खासी बाइंग जो है यहाँ पे स्टॉक में देखने मिली। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो है ऊपर की तरफ बनते हुए दिख रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय में यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। 7,200-7,300 तक के इमीडिएट बेसिस पे टारगेट जो है वो आपको यहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने मिल सकते हैं। लेकिन अब दूसरे स्टॉक की बात करें बजाज फिनसर्व की बजाज फिनसर्व किस तरीके से मोमेंट लेता हुआ दिखाई देगा, तो बिल्कुल बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व एक जैसा ही मोमेंटम लगभग लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर चार्ट पे देख रहे हैं तो अभी बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस के मुकाबले थोड़ा पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बजाज फिनसर्व का स्टॉक 200 दिन के एवरेज को पार नहीं किया, जबकि बजाज फाइनेंस का स्टॉक 200 दिन के एवरेज के बहुत ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कैचअप रैली आती है बजाज फिनसर्व में, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा बेहतर ट्रेड बनता हुआ दिख सकता है। ये स्टॉक भी बिल्कुल उस लेवल के आसपास है जहाँ पे फरवरी के आसपास के हाई लगे थे, लगभग 1,425 रुपए के आसपास, तो उसी लेवल के आसपास जो है क्लोजिंग जो है फ्राइडे की आती हुई दिखाई दी है। तो बजाज फाइनेंस ने तो उस लेवल को क्रॉस कर लिया, लेकिन ये स्टॉक अभी भी उसी रेंज के आसपास है। पिछले 3-4 दिन से अगर आप देखेंगे बहुत ही
एक रेंज में है, कहीं 4 से 5 रुपए की रेंज में ही ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं खेलता है दिन भर में, और ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही इस स्टॉक में भी 200 दिन का एवरेज पार होगा, यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और 1425 पर एक रेंज ब्रेकआउट भी होगा, और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 200 दिन का है वो भी पार होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको कहीं ना कहीं जो अगला टारगेट बनता हुआ दिखाई दे, जो अगला रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि जनवरी का हाई है लगभग लगभग, जिसको हमने देखा था 1560 रुपए के आसपास, जहां से स्टॉक में एक तेज गिरावट देखने मिली, तो उसके बाद फिर 3-4 महीने से स्टॉक नीचे ही देखने को मिला। तो उस लेवल तक यहाँ पे पहला टारगेट आपको देखने मिलता है, मिल सकता है 1550-1560 तक का। और उसके बाद अगर हम ये लेवल निकालता है तो हम बात करेंगे 1600-1700 की रेंज की, जो कि आपको यहाँ पे इस स्टॉक में फिर अगले टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये स्टॉक भी पिछले बार जब तेजी दिखाया था तो बहुत ही शानदार मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया था। 1800 1850 तक के लेवल भी जो थे यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई दिए, उसका फिर से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। पिछले 1.5-2 सालों से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक रेंज में कहीं ना कहीं बना है, अपसाइड में 1800-1900 की रेंज और डाउन साइड में 1100-1200 रुपए की रेंज जो है वहां बना है। तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये स्टॉक ज्यादा दिन नीचे रहता नहीं है, और ऊपर आने में इसकी जो तेजी रहती है बहुत शार्प रहती है। तो इन स्टॉक्स में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं एंट्री होती है तो बहुत ही शानदार मोमेंटम देखने मिल सकता है, जिस तरीके से मार्केट नए हाईस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक हायर लेवल लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी सारे बड़े स्टॉक जो है वो भी अपने 52 वीक हाईस की तरफ जा रहे हैं, और खासकर फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स में अगर हम देखें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये स्टॉक जो है इतना नीचे ट्रेड करे, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी जो है अब मोमेंटम चेस करते हुए दिखाई देंगे, और बहुत ही जल्द हो सकता है आपको ये स्टॉक भी नए हाइज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे। टाइम पे यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करूंगा कि कितने दिन में यहाँ पे आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहा है बहुत ही जल्द हो सकता है कि आपको 1-2 महीने में ही आपको ऊपर की तरफ का एक बड़ा मूव, सरप्राइज मूव दे सकता है। और ये स्टॉक हमेशा ही सरप्राइज मूव देने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि आप जितना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे ज्यादा ये ऊपर जाएगा, और गिरावट के समय भी जितना आप उम्मीद नहीं करेंगे उससे ज्यादा ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरेगा। तो दोनों ही साइड के लोगों को सरप्राइज करने के लिए जाना जाते हैं दोनों स्टॉक। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा मान के चलना चाहिए, और एक अच्छी तेजी के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और क्या यहाँ पे आने वाले दिनों में एक बड़े टारगेट्स जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।